दोस्तों आज के दौर के सिनेमा प्रेमी जितनी तवज्जो किसी फिल्म के हीरो को देते हैं उतनी ही तवज्जो उस फिल्म में विलन का किरदार निभाने वाले एक्टर को भी देते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आज हम जिस अभिनेता के बारे में बात करने जा रहे हैं उस अभिनेता को निगेटिव रोल करने पर न सिर्फ लोगों की नफरत का सामना करना पड़ता था बल्कि कई बार तो फिल्म की हीरोइन भी उनके साथ काम करने में असहज हो जाया करती थी। दोस्तों दरअसल यहाँ हम हिंदी सिनेमा के सबसे खूंखार विलन की लिस्ट में शामिल अभिनेता रंजीत के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों रंजीत के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जब भी वह किसी फिल्म में विलन बनकर सिनेमा के पर्दे पर आते थे तो लोग उन्हें देखकर अक्सर डर जाया करते थे। और इतना ही नहीं दोस्तों कुछ लोगों ने तो ये तक मान लिया था कि रंजीत रियल लाइफ में भी वैसे ही है जैसे फिल्मों में उनका किरदार होता है। दोस्तों बात है साल 1989 की जब रंजीत की फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा रिलीज हुई थी और इस फिल्म में माधुरी दीक्षित भी अहम किरदार में थी। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो फिल्म के सेट पर माधुरी दीक्षित को पता चला कि रंजीत के साथ सीन करना है तो वह फूट फूट कर रोने लगी थी। दोस्तों इस बात का खुलासा खुद रंजीत ने ही अपने एक इंटरव्यू में किया था। रंजीत ने इस किस्से को याद करते हुए इंटरव्यू में बताया था कि जब प्रेम प्रतिज्ञा की शूटिंग चल रही थी और माधुरी दीक्षित को पता चला कि मैं भी उनके साथ सीन करने वाला हूं तो वह मेकअप रूम में चली गई और वहां जाकर जोर जोर से रोने लगी। दरअसल दोस्तों माधुरी दीक्षित और रंजीत के बीच में जो सीन शूट होने वाला था उसमें कुछ छेड़छाड़ वाला सीन भी था और ऐसे में माधुरी दीक्षित को सच में डर लग रहा था और वो रंजीत के साथ काम नहीं करना चाहती थी। और फिर जब फिल्म के निर्देशक ने माधुरी दीक्षित को समझाया इसके बाद जैसे तैसे उस सीन की शूटिंग पूरी की गई। दोस्तों हम आपको बता दें कि रंजीत ने अपने पूरे करियर में 500 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है और आज भी अभिनय के क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रिय हैं।